नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री और झारखंड के डीजीपी के निर्देश पर राज्य भर में आयोजित हुआ जन शिकायत समाधान कार्यक्रम। गिरिडीह जिला के चारों अनुमंडल क्षेत्र के लिए अलग अलग आयोजित था कार्यक्रम। टाउन हॉल के कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे डीआईजी सुनील भास्कर। जन शिकायत समाधान कार्यक्रम समाप्त होने के बाद डीआईजी सुनील भास्कर ने एसपी ऑफिस से की प्रेस वार्ता। कहा, चारों अनुमंडल मिलकर 229 लोगों ने अपनी समस्याओं से संबंधित दिए आवेदन। 57 मामलों का किया गया त्वरित निष्पादन। अन्य मामलों को लेकर सप्ताह भर का अधिकारियों को दिया गया समय। पचम्मा थाना अंतर्गत बनखंजो नदी में मछली मारने के दौरान एक व्यक्ति की नदी में डूब जाने का मामला आया सामने। पचम्मा पुलिस की देखरेख में गोताखोर और स्थानीय लोगों की मदद से जारी था खोजबीन का कार्य। पीरटार के कुम्हर लालो में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का निरीक्षण करने पहुंचे डीसी। संबंधित अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। स्टालों का भी किया निरीक्षण। कहा, लोगों तक पहुंचे योजनाओं का लाभ। और भाकपा माले के नेता रहे राजेश यादव ने माले पार्टी को अलविदा कहते हुए टाइगर जयराम महतो की पार्टी में हुए शामिल। कहा, झारखंडी भाषा और पहचान की लड़ाई में अपनी भूमिका का करेंगे निर्वहन। पचम्मा थाना अंतर्गत बनखंजो नदी में मछली मारने के दौरान एक व्यक्ति की नदी में डूब जाने का मंगलवार को सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया गया कि नदी में डूबने वाले बनखंजो निवासी मोहम्मद रियाज का दूसरा पुत्र मोहम्मद सदाम है। स्थानीय लोगों के अनुसार बताया गया कि मोहम्मद सदाम मछली मारने के लिए नदी पर गया हुआ था। नदी में पानी का स्तर अधिक रहने के कारण वह पानी में डूब गया। घटना करीब दोपहर 3 बजे के आसपास की बताई जा रही। स्थानीय लोगों को सूचना मिलने के बाद पचम्बा पुलिस को इसकी जानकारी दे दी गई थी। पुलिस मौके पर पहुंचकर गोताखोर और अन्य स्थानीय लोगों की मदद से नदी में डूबने वाले मोहम्मद सदाम की तलाशी में जुट गई थी। खबर लिखे जाने तक मोहम्मद सदाम की खोजबीन जारी थी। मामला ये है कि मेरा मोहल्ला का एक लड़का जिसका नाम सदाम है और उसका बाप का नाम रियाज है, वो लोग 3 भाई थे। तो मझला वाला जो है बीच वाला, वो मछली मारने के लिए आया था। उसी के क्रम में हम लोग को जैसा पता चला कि वो डूब गया है नदी में, और नदी में पानी बहुत ज़्यादा है और लगातार उस टाइम से, मतलब तकरीबन 3:30 बजे के आसपास में ये काम हुआ है। और उस टाइम से अभी तक आदमी ढूंढने का प्रयास कर ही रहा है। लोग पानी में डूब डूब के, गोताखोर लोग भी डूब डूब के देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला है। और अभी लाइट वगैरह का व्यवस्था करने के बाद भी आदमी उसको ढूंढने का प्रयास करेगा, देखिए कब तक मिलता है नहीं मिलता है। पुलिस प्रशासन के द्वारा पुलिस आई थी, पचम्बा थाना को सूचना दिया गया था, तो उस क्रम में पुलिस आई थी। अभी पुलिस है यहाँ या नहीं है पता नहीं, उस साइड है वो देखने वाली बात है, लेकिन पुलिस आई थी यहाँ पे, पुलिस को सूचना है। होट्टी बाजार स्थित नगर भवन में मंगलवार को गिरिडीह पुलिस की ओर से जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन सदर अनुमंडल क्षेत्र के लिए था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तरी छोटा नागपुर हजारीबाग क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक सुनील भास्कर मुख्य रूप से उपस्थित थे। वयाने में जिला विधिक सेवा पदाधिकार की सचिव सोनम विश्नोई, पुलिस कप्तान डॉक्टर विमल कुमार, एसडीएम श्रीकांत यशवंत विश्पुते, डीएसपी अंकिता राय, एसडीपीओ विनोद रवानी, सीईओ मोहम्मद असलम व अन्य जवान मौजूद थे। पुलिस उप महानिरीक्षक और अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर बताया गया कि पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक झारखंड के निर्देशानुसार राज्य के सभी जिलों में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया। गिरिडीह जिले के भी सभी अनुमंडल क्षेत्र में यह कार्यक्रम आयोजित है। उप महानिरीक्षक सुनील भास्कर ने कहा कि अनुमंडल स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य इलाकों के नागरिकों के शिकायत का समाधान त्वरित रूप से हो। कहा कि खासकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान हो, इसको लेकर जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे और उन्हें न्याय दिलाने का काम करेंगे। प्रकार अभी एक प्रकार का जो साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम, ये जो अपराध है, ये आप काफी देखते होंगे, काफी उसमें भुक्तभोगी हैं। आपको एक फोन आता है, आपसे ओटीपी मांगा जाता है या कहा जाता है कि आपका केवाईसी है, उसको रिन्यू करना है,
तो अपना आधार डिटेल्स दे दीजिए। वो इस तरह के जो कॉल्स आते हैं उससे आप लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको बैंकिंग से संबंधित अगर किसी प्रकार का कोई कार्य करना है तो आप संबंधित बैंक के ब्रांच में चले जाएं, वहां जाके अपने जो भी आपको KYC अपडेट करना है या पासबुक रिन्यू करना है या आधार कार्ड को अपडेट करना है, जानकारी देनी है, वो आप बैंक के ब्रांच में जाके दें, ना कि आप फ़ोन पे दें। अगर फ़ोन पे इस तरह के कॉल्स आ रहे हैं इसका मतलब है कि कोई क्रिमिनल है, साइबर क्रिमिनल है जो आपसे आपके जो पैसे हैं वो ठगना चाह रहा है थ्रू ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में। तो इससे आप लोग बचें। और राष्ट्रीय स्तर पे एक नंबर है 1930, आप लोग भी जान रहे होंगे, इस नंबर को याद कर ले, लिख ले 1930। अगर किसी प्रकार का साइबर फ्रॉड होता है आपके साथ तो आप तुरंत 1930 पे कॉल कर सकते हैं और आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। अगर तुरंत आपने उस पर कॉल कर लिया 1930 पे, तो आपका जो पैसे से ट्रांजेक्शन, आपके जो अकाउंट से पैसा ट्रांजेक्शन हुआ है वो भी फ्रीज कर दिया जाएगा और पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाता है। क्योंकि वो जो साइबर क्रिमिनल है वो आपके अकाउंट से पैसा, मान लीजिए किसी दूसरे अकाउंट में उसने ट्रांजैक्ट किया या उसको यूज़ कर रहा है वो किसी पेमेंट के लिए किसी गेटवे के माध्यम से, तो 1930 पोर्टल पर लिंक करने पे उस ट्रांजैक्शन को ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो इस नंबर को याद कर लें, साइबर क्राइम में साइबर फ्रॉड होने में 1930 का बहुत महत्व है। इसी प्रकार का एक cybercrime.gov.in एक साइबर क्राइम का पोर्टल है। अगर किसी प्रकार का अपराध हो रहा है या किसी का, मान लीजिए किसी महिला के साथ किसी गलत उसके फोटोज़ को अपलोड कर दिया जा रहा है, तो आप उस साइबर क्राइम पोर्टल पर जाके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और छोटे रूप में, और जिसमें हम लोगों को काफ़ी सफलता मिली थी, तकरीबन 60 से ज़्यादा समस्याएँ आई थी, 50-60 के करीब, और उसमें से आधी समस्याएँ तत्काल जो है उनका समाधान भी किया गया था। जिला स्तरीय कार्यक्रम है, इसके अलावा हमारा 3 अनुमंडल में और भी कार्यक्रम चल रहा है। विशेष रूप से इसके अलावा भी जन शिकायत हम लोग प्रतिदिन पुलिस अधीक्षक कार्यालय में या अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों के कार्यालय में लोगों की सुनवाई होती है, परंतु इसमें हम लोग ये चाहते हैं कि जो लोग छूट जाते हैं और उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, वे अपनी बात बताएं, क्योंकि छोटे मोटे ऐसे बहुत सारे समस्या होती हैं जिनका समाधान उनको आपस में एक मंच नहीं मिलता है जिसके कारण नहीं हो पाता है। तो जो भी आपकी समस्याएं हैं हम लोग सीधे रूप में उसको लेंगे और उसका तत्काल अगर जो समाधान है वो भी किया जाएगा, और साथ ही साथ उसमें जितना दिन लगने की संभावना है उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा कि इसमें कितने दिन लगने की संभावना है, और आपको उसके बारे में बताया भी जाएगा कि क्या समाधान हुआ और उससे आप संतुष्ट रहेंगे, वो फीडबैक भी हम लोग लेंगे। ये जो जन शिकायत समाधान कार्यक्रम है ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और पुलिस महानिदेशक DGP सर का ये विशेष कार्यक्रम है जो उनकी सोच है। हम लोग ये चाहते हैं कि उनके सोच के आलोक में जनता को परेशान नहीं होना पड़े, उनकी बातों को हम सुने और उसका उचित समाधान, क्योंकि प्रत्येक मैटर का कोई भी समस्या आता है तो उसके दो पक्ष हैं, एक सही होता है एक गलत होता है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम लोग जितना भी हो सके उसका बेहतर समाधान के लिए, जिस अगर हमारे वो हमारे संज्ञान हमारे विभाग को करना है तो हमारा विभाग उसको समाधान करेगा, अगर किसी अन्य विभाग को करना है तो उसको रेफर भी किया जाएगा और उसमें जितना समय सीमा लगेगा उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। मुख्य अतिथि महोदय हैं, उनकी बातों को हम लोग सुनेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं DGP झारखंड महोदय के निर्देशानुसार पूरे राज्य में आज 10 तारीख को ये जन शिकायत समाधान कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उसी आलोक में उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में गिरिडीह जिले में आज मेरा आगमन हुआ है और ये निर्देश था पुलिस मुख्यालय के सीनियर ऑफिसर्स के प्रेजेंस में ही ये जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो गिरिडीह जिले में आज कुल 4 जगहों पर इसका आयोजन किया गया था, नगर भवन गिरिडीह, डुमरी अनुमंडल कार्यालय, खोरी महुआ अनुमंडल के धनवार थाना और बगोदर सरिया अनुमंडल के
और पंचायत भवन में, इन चार जगहों पर आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि हम जो जो भी पब्लिक है जिनकी समस्याएं होती हैं तो उनका हम निदान करें, उनकी समस्याओं को सुने और पुलिस और पब्लिक के बीच की जो दूरी है उसको दूर किया जाए और एक पब्लिक फ्रेंडली पुलिसिंग की बात हो। तो इसमें आज इसी कड़ी में बहुत सारे लोग पूर्व से ही इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा था पुलिस अधीक्षक और उनकी पूरी टीम द्वारा, जिसके आलोक में आज कुल उपस्थिति इन चारों जगहों पर 1100 के आसपास रही और जिसमें कि 229 लोगों ने अपने आवेदन के साथ अपनी समस्याओं के साथ सामने आए, जिनको कि एक्नॉलेजमेंट दिया गया है, रिसीविंग दिया गया है बकायदा, और इसमें 57 मामलों का हम लोगों ने त्वरण एकदम ऑन द स्पॉट उसका निदान किया है। तो और बाकी जो आवेदन दिए गए हैं उसमें एक्नॉलेजमेंट स्लिप दिया गया है, उसको हम लोग ऑनलाइन करेंगे, अपने डेटाबेस में संधारित करेंगे, उसको संबंधित अधिकारी को भी उसमें इंडोर्स किया गया है कि आप 7 दिन के अंदर उसमें कार्रवाई करते हुए उसका निष्पादन करेंगे, और अगर मान लीजिए उनके स्तर से नहीं हो पाता है तो संबंधित SDPO हैं, SPs हैं, मैं स्वयं हूँ, हम लोग उस केस को अपने स्तर से फिर उसका निदान करने का प्रयास करेंगे। सर ज़्यादातर कौन सा मामला देखने को मिला सर? देखिए विभिन्न प्रकार के मामले इसमें सामने आए हैं, कुछ केस से संबंधित थे, पुलिस के भी मामले थे और कुछ मोस्टली इसमें जो सिविल डिस्प्यूट के नेचर के जो मैटर हैं वो भी सामने आए हैं। तो इसमें उपायुक्त गिरिडीह के स्तर से अंचल अधिकारी SDO को भी भेजा गया था और इसमें सेक्रेटरी DLA से भी आई हुई थी। तो जो सिविल नेचर के मैटर हैं उसमें क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या उसमें उनको डायरेक्शन होना चाहिए, वो उनके द्वारा बताया गया। अधिकार मामले से जमीन विवाद संबंधित? हाँ, जमीन मामले और सिविल नेचर के, जैसे पारिवारिक विवाद हो गया, घर में कुछ समस्या हो गया, पार्टीशन का कोई मैटर हो गया, तो उसमें सेक्रेटरी DLA ने बड़ा अच्छा ही उन लोगों को गाइड किया है और बताया भी है कि आप इस तरह के जो मैटर होते हैं प्री लिटिगेशन में आप DLA के स्तर पे दोनों के बीच में एक संवाद हो और उसका एक कॉम्प्रोमाइज का सिचुएशन हो। सरिया कलाली रोड निवासी वीरेंद्र यादव ने कुछ लोगों पर इनके जमीन को कब्जा करने से संबंधित आरोप लगाते हुए मंगलवार को DC ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त और SP के नाम आवेदन दिया है। इसको लेकर वीरेंद्र यादव ने बताया कि वह मूल रूप से कोडरमा जिला के भोवालडीही निवासी हैं। बताया कि उनके पिता ने बड़की सरिया और मंदार रामू में खाता नंबर 164 प्लॉट नंबर 1664 रकवा एवं एकड़ 44 डिसमिल जमीन खरीदा था। फिलहाल दो भाइयों के बीच में जमीन का बंटवारा हो चुका था। बताया गया कि कुछ जमीन दलाल इनके जमीन के पीछे वाले हिस्से को खरीद बिक्री कर रहे हैं। उस पीछे वाले रास्ता में आने जाने के लिए इनके जमीन के बाउंड्री वॉल को तोड़कर रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही थी। वीरेंद्र ने बताया कि जब मुझे जानकारी मिली तो देखने पहुंचा तो पाया कि मेरे हिस्से की जमीन को JCP से कंपाउंड को तोड़कर JCP के माध्यम से जमीन पर मिट्टी भरा जा रहा है। बताया कि जमीन पर काफी कीमती पौधे भी लगे थे जिनको उन लोगों के द्वारा कटवा दिया गया। बताया कि यह कार्य कुंज बिहारी मंडल, विनोद स्वर्णकार, विक्की मंडल और अन्य कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा था। मना करने पर ये लोग और अन्य 15-20 लोग हथियार से लैस होकर हमला किया जिसमें हम घायल भी हो गए। बताया कि इस संबंध आवेदन थाना प्रभारी को दिया जा चुका है। क्या मामला भैया? मामला सरिया प्रखंड में मेरा 40 कट्ठा जमीन है जो मेरे पिताजी 1990 में खरीदे थे, चार दीवारी के अंदर है और दो भाइयों का बीच का जमीन था, एक बाउंड्री अलग था, मेरा बाउंड्री अलग था। तो मेरे पड़ोसी जो है वो मेरा बाउंड्री को तोड़कर और उसके बाउंड्री को तोड़कर अंदर में घुस के कब्जा करने की कोशिश किया जा रहा है और 3 तारीख को बाउंड्री तोड़कर मेरा जो एंट्रेंस का गेट था वो ताला तोड़ दिया गया। उसके बाद मैं कंप्लेंट करने गया, जहाँ वहाँ पर भटक रहा हूँ लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। 5 तारीख को रात में नाइट में लाइट जला के मेरा एंट्रेंस को बंद कर दिया गया है, जहाँ से मैं 40 कट्ठा के बाउंड्री में घुसूंगा। मेरे जाने आने के लिए मैंने रास्ता पूरा ब्लॉक हो चुका है और हमारे उस जमीन में पेड़ पौधा, कीमती पेड़ पौधा था, सब काट लिया गया है और सुना जा रहा है कि उस कुएं को भर कर 25 फुट का रास्ता निकालेंगे। कुछ ब्रोकर लोग, अज्ञात लोग हैं जो उसमें रास्ता निकालना चाहते हैं। इसका कारण सुनने मिला है कि हमारे बाउंड्री के पीछे बहुत सारी जमीन वो लोग खरीदे हुए हैं जिसे कब्जा करने की कोशिश किया जा रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ और मैं सरिया प्रखंड के बगोदर प्रखंड के विधानसभा विधायक जी को और बरकट्ठा विचार विमर्श करके दोनों पक्षों को बैठा कर पेपर के साथ निर्णय करने का कोशिश किया गया, लेकिन वो पक्ष पेपर वहाँ साबित नहीं कर पाया। पेपर देखकर बड़े जो वहाँ थाना फरवारी थे वो हमारे पक्ष में निर्णय दिए और उसके बाद वो निर्णय लिए कि इस चीज़ को 144 के लिए मैं फॉरवर्ड करता हूँ। और उन्होंने आपका नाम क्या? मेरा नाम वीरेंद्र यादव है, भाई का नाम विजय यादव है, पिता श्री कुंजो महतो, और जो हमारे संघ में इस तरह से कर रहे हैं कुंजबिहारी मंडल
उनका पुत्र अशोक मंडल, दूसरा पुत्र विक्की मंडल और एक पुत्र है जिनका नाम मुझे याद नहीं है, और उनके संग में अज्ञात लोग चार पांच हमेशा हथियार संग में रहते हैं, और एक किसी वो एक है जिनका नाम मुझे मालूम नहीं, फोन कर मुझे धमका रहे हैं बाई कॉन्फ्रेंस, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट मुझे फोन करेंगे तो नंबर मेरे उनका नंबर मेरे पास आ जाएगा, तो मेरे परिचितों का नंबर से फोन करके मुझे कॉन्फ्रेंस में लेकर मुझे मार डालने का धमकी दिया जा रहा है। मैं बहुत डरा हुआ हूँ और मैं परसाबाद निवासी हूँ, हमारा बाजार वगैरह हमारा वहीं पर है, जाना न लगा रहता है, मैं भयभीत हूँ। अभी अभी जस्ट खबर आया है कि अनुमंडल में जो 144 के लिए फॉरवर्ड किया गया तो हमारे भाई लोग थे, तो कुछ अज्ञात लोग जाके वहाँ पर उसे मैंने धमकाया जा रहा है। अभी जस्ट अभी का खबर है, 10/9/2024 इस टाइम बिफोर आधा घंटा पहले। प्रशासन के द्वारा जन समस्याओं को सुलझाने के लिए शिविर लगाया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है, क्या आप वहाँ गए थे? जी मैं गया था, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आज किसी भी हालत में आपका काम को आगे कर दिया जाएगा और आपका समस्या को हल कर दिया। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। बरगंडा स्थित बजरंग टावर में खुल गया द आर लुक सैलून का ब्रांच। हमारे यहाँ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन और हेयर ड्रेसर एवं अन्य सर्विस के लिए प्रोफेशनल स्टाफ के द्वारा कार्य कराया जाएगा। हमारे यहाँ लॉरियल, सियावेटा, बेला, लोटस, ओथी प्लस इत्यादि प्रोफेशनल प्रोडक्ट के द्वारा काम किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कट, ब्राइडल एवं ग्रूम मेकअप, स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, स्किन एवं हेयर से रिलेटेड सभी प्रकार का समस्याओं का निदान किया जाता है। साथ ही मेहंदी मेकअप की पूरी व्यवस्था की गई है। अभी हमारे सैलून आने पर आपको बम्पर कॉम्बो ऑफर 10 सर्विस का लाभ मात्र 1199 में मिलेगा। वहीं ब्राइडल मेकअप पर 20% का ऑफर दिया जा रहा है, तो देर किस बात की, एक बार हमारी ब्रांच में पधारे और सेवा का मौका दे। हमारा पता है बरगंडा पावर हाउस रोड बजरंग टावर, हमारा मोबाइल नंबर है 8540003571 06532356150। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क कर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बरगंडा निवासी और पूर्व भाकपा माले नेता राजेश यादव मंगलवार को टाइगर जयराम महतो की पार्टी में शामिल हो गए। इन्होंने कहा कि झारखंडी भाषा और पहचान की लड़ाई में अपनी भूमिका का निर्वाह करने तथा गांडी विधानसभा क्षेत्र में जन संघर्ष को और भी आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ आज अपनी टीम को लेकर मधुबन में JBKSS के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो के समक्ष संगठन में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय अध्यक्ष ने श्री यादव के शामिल होने पर उनका स्वागत करते हुए अपने वक्तव्य में कहा कि एक अनुभवी व्यक्ति के जुड़ने का लाभ संगठन को मिलेगा। मौजूद JBKSS की टीम ने भी शामिल होने वाले सभी लोगों का स्वागत किया। मौके पर श्री यादव ने कहा कि
अभी गांडी विधानसभा क्षेत्र में जो विशेष जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है उसे और भी सघन और विस्तृत करते हुए सभी पंचायतों में जनता के ज्वलंत सवालों पर संगठन मजबूत किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा साथियों और आम लोगों को संगठन से जोड़ा जाएगा ताकि इस बार उपेक्षित गांडी विधानसभा क्षेत्र में विकास और सम्मान के लिए बदलाव हो। उन्होंने अपने तमाम साथियों और शुभचिंतकों से इस अभियान से जुड़ने की अपील की। पार्टी में शामिल होने वालों में मुख्य रूप से शिवनंदन यादव, महेश निराला, संजय चौधरी, मनोज कुमार, बालेश्वर यादव व अन्य थे, जबकि मौके पर JBKSS के कुलदेव मंडल, सूरज यादव, प्रमोद कुमार, संदीप महतो, सुरेंद्र यादव, वीरेंद्र वर्मा, सुभाष चौधरी, रविशंकर आदि मौजूद थे। देखिए, भाकपा माले के साथ एक लंबा रिश्ता हमारा रहा और हमने पूरे इलाके में जनसंघर्ष को तवज्जो दिया और उस जनसंघर्ष को और भी आगे बढ़ाने के मकसद से जब हमें लगा कि वहाँ कोई रुकावट है और कहीं न कहीं से मौजूदा जो राजनीतिक परिवेश है उसमें जनसंघर्ष से समझौता करने की जब बात आई तो हमने उस रास्ते को छोड़ना बेहतर समझा। और हम देख रहे हैं कि इस समय झारखंड में जयराम जी के नेतृत्व में पूरा जो JLKM है, JBKSS की जो पूरी राजनीति चल रही है वो पूरे झारखंड और झारखंडियों के हित में, यहाँ के पहचान के लिए जो आगे बढ़ रही है, हमें लगा कि हमारा एक समानांतर विचार चल रहा है तो हम लोग निश्चित रूप से पूरा टीम लेकर के इसमें शामिल होना बेहतर समझे। और हम इस बात का हम भरोसा देते हैं कि अपने इलाके में जहाँ मेरा कार्य क्षेत्र है, जहाँ तक मेरा एरिया है, हम उस पूरे इलाके में JLKM को स्थापित करेंगे, जनसंघर्ष को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और इनका इनके क्षेत्र में अच्छी पकड़, आज अगर ये हमारे संगठन के साथ आ रहे हैं तो एक पार्टी के सदस्य बन के नहीं, अभिभावक बन के बड़े भाई स्वरूप हैं। तो नो डाउट इन्होंने अपने जीवन में, राजनीतिक जीवन में जो कमाया है और हमें काफ़ी सीख मिलेगी इनसे। इनका स्वागत करते हैं, तह दिल से सवाल करते हैं। राज्य भर में आयोजित जन शिकायत समाधान कार्यक्रम को लेकर मंगलवार की शाम DIG सुनील भास्कर ने पपरवटार स्थित SP कार्यालय से प्रेस वार्ता की। इस मौके पर इन्होंने गिरिडीह जिला के 4 अनुमंडल क्षेत्र में आयोजित जन शिकायत समाधान कार्यक्रम को लेकर पूरी जानकारी दी। बताया कि गिरिडीह अनुमंडल क्षेत्र के लिए टाउन हॉल गिरिडीह में यह कार्यक्रम आयोजित था, वहीं अन्य 3 अनुमंडल क्षेत्र के अलग अलग स्थानों में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम आयोजित किया गया था। चारों स्थान पर मिलाकर 1100 लोग पहुंचे हुए थे। इस मौके पर 229 लोगों ने समस्याओं से संबंधित आवेदन दिया जिसे रिसीविंग दिया गया, वहीं 57 मामलों का त्वरित निष्पादन किया गया। बताया गया कि अन्य मामलों को लेकर ऑनलाइन की प्रक्रिया की जा रही है, साथ ही 7 दिनों के अंदर अधिकारियों को समस्याओं के समाधान को लेकर निर्देश दिया गया। बताया कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से संबंधित अलग अलग समस्याओं का आवेदन प्राप्त हुआ है। कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पब्लिक की समस्याओं को सुनना है और उनकी समस्याओं का निदान करना है ताकि पुलिस और आम पब्लिक के साथ अच्छी तालमेल हो सके। मौके पर SP डॉक्टर विमल कुमार समेत अन्य पुलिस जवान मौजूद थे। मुख्यमंत्री महोदय एवं DGP झारखंड महोदय के निर्देशानुसार पूरे राज्य में आज 10 तारीख को ये जन शिकायत समाधान कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उसी आलोक में उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में गिरिडीह जिले में आज मेरा आगमन हुआ है और ये निर्देश था पुलिस मुख्यालय के सीनियर ऑफिसर्स के प्रेजेंस में ही ये जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो गिरिडीह जिले में आज कुल 4 जगहों पर इसका आयोजन किया गया था। नगर भवन गिरिडीह, डुमरी अनुमंडल कार्यालय, खोरी महुआ अनुमंडल के धनवार थाना और बगोदर सरिया अनुमंडल के और पंचायत भवन में, इन 4 जगहों पर आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य था कि हम जो भी पब्लिक है जिनकी समस्याएं होती हैं तो उनका हम निदान करें, उनकी समस्याओं को सुने और पुलिस और पब्लिक के बीच की जो दूरी है उसको दूर किया जाए और एक पब्लिक फ्रेंडली पुलिसिंग की बात हो। तो इसमें आज इसी कड़ी में बहुत सारे लोग पूर्व से ही इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा था पुलिस अधीक्षक और उनकी पूरी टीम द्वारा, जिसके आलोक में आज कुल उपस्थिति इन चारों जगहों पर 1100 के आसपास रही और जिसमें कि 229 लोगों ने अपने आवेदन के साथ, अपनी समस्याओं के साथ सामने आए, जिनको कि एक्नॉलेजमेंट दिया गया है, रिसीविंग दिया गया है बाकायदा। और इसमें 57 मामलों का हम लोगों ने तुरंत एकदम ऑन द स्पॉट उसका निदान किया है। तो और बाकी जो आवेदन दिए गए हैं उसमें एक्नॉलेजमेंट स्लिप दिया गया है, उसको हम लोग ऑनलाइन करेंगे, अपने डेटाबेस में संधारित करेंगे, उसको संबंधित अधिकारी को भी उसमें
इंडोर्स किया गया है कि आप 7 दिन के अंदर उसमें कार्रवाई करते हुए उसका निष्पादन करेंगे, और अगर मान लीजिए उनके स्तर से नहीं हो पाता है तो संबंधित SDPO हैं, SPs हैं, मैं स्वयं हूँ, हम लोग उस केस को अपने स्तर से फिर उसका निदान करने का प्रयास करेंगे। सर, ज़्यादातर कौन सा मामला देखने को मिला सर? देखिए, विभिन्न प्रकार के मामले इसमें सामने आए हैं, कुछ केस से संबंधित थे, पुलिस के भी मामले थे, और कुछ मोस्टली इसमें जो सिविल डिस्प्यूट के नेचर के जो मैटर हैं वो भी सामने आए हैं। तो इसमें उपायुक्त गिरिडीह के स्तर से अंचल अधिकारी SDO को भी भेजा गया था, और इसमें सेक्रेटरी DLA से भी आई हुई थी। तो जो सिविल नेचर के मैटर हैं उसमें क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या उसमें उनको डायरेक्शन होना चाहिए, वो उनके द्वारा बताया गया। अधिकांश मामले से जमीन विवाद संबंधित? हाँ, जमीन मामले और सिविल नेचर के, जैसे पारिवारिक विवाद हो गया, घर में कुछ समस्या हो गया, पार्टीशन का कोई मैटर हो गया, तो उसमें सेक्रेटरी DLA ने बड़ा अच्छा है, उन लोगों को गाइड किया है और बताया भी है कि आप इस तरह के जो मैटर होते हैं प्री लिटिगेशन में आप DLA के स्तर पे दोनों के बीच में एक संवाद हो और उसका एक कॉम्प्रोमाइज का एक सिचुएशन। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन मंगलवार को पीरटार के कुम्हरलालों में किया गया। कार्यक्रम का उपायुक्त नमन प्रेश लकड़ा के द्वारा निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस दौरान उपायुक्त ने विभिन्न स्टालों का निरीक्षण कर कई कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति और अब तक किए गए शिकायतों के निष्पादन की सूची का अवलोकन किया तथा संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने शिविर में उपस्थित कर्मचारियों से आमजनों की शिकायतों और समस्याओं के त्वरित निदान को लेकर निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आमजनों को इस शिविर का लाभ लेने के लिए अपने स्तर से प्रेरित करने का भी कार्य करें। इसके अलावा उपायुक्त ने ग्रामीणों से संवाद स्थापित कर उन्हें योजनाओं की जानकारी दी तथा उनकी समस्याओं को सुनते हुए उचित कार्रवाई को लेकर मौके पर मौजूद प्रखंड के संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को योजनाओं की जानकारी और लाभ देना उद्देश्य है। सभी स्टॉल पर मौजूद विभागीय पदाधिकारी और कर्मी ग्रामीणों से अच्छा व्यवहार रखते हुए आवेदन भरने में कोई कठिनाई आती हो तो गाइड करने का कार्य करें। साथ ही सभी सुयोग व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे इस हेतु ग्रामीणों को प्रेरित करते हुए ज्यादा से ज्यादा आवेदन जमा कराने के निर्देश दिए गए। स्टॉल निरीक्षण के दौरान प्राप्त आवेदनों को जांचते हुए आवेदकों से भी बात किया एवं पोर्टल में एंट्री की प्रक्रिया के बारे में उपस्थित कर्मी से जानकारी ली। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गॉल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रियाटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज, वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टन स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह, मोबाइल नंबर 7003864561995551205। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर, यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की चौथे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है।
ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बर रोड, GD बगेड़ी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांडी प्रखंड के बदगुंदा में मदरसा के नाम पर जमीन कब्जा करने का आरोप अल फुरकान एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के सचिव समेत कुछ अन्य लोगों पर लग रहा है। इसको लेकर जमीन पर दखल में रहे परिवार वालों व दर्जनों स्थानीय ग्रामीणों ने एकजुट होकर प्रशासन से मामले में सही जांच व उचित कार्रवाई का मांग किया है। इसको लेकर वर्षों से जमीन पर दखल में रहे परिवार वालों व स्थानीय ग्रामीणों ने बीते कुछ दिन पहले ताराटांड थाना में आवेदन देकर जांच एवं कार्रवाई की मांग की है। घटना गांडे प्रखंड के बदगुंदा का है। थाना में दिए आवेदन के अनुसार कुंडलवादा टोला पहरीधार निवासी समीर मियां एवं फुतेली मियां के नाम से मौजा बदगुंदा में खाता नंबर 1 प्लॉट नंबर 63 रकवा 2 एकड़ जमीन दर्ज है, जिस पर समीर मियां एवं फुतेली मियां के वंशज दखलकार हैं तथा वर्षों से जोत आबाद कर रहे हैं तथा माल गुजारी रशीद कटाते चले आ रहे हैं, पर कुंडलवादा टोला अम्बाबेड़ा के कासिम अंसारी, अब्दुल हक, जियाउल अंसारी, शमीम अंसारी, अमानुल्ला अंसारी एवं खुर्शीद अंसारी एकमत होकर जाली दस्तावेज बनाकर उपरोक्त जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं तथा लाठी तलवार के बल पर वहां जबरन एल्बेस्टर का मकान बनाकर कब्जा करने की फिराक में है। घटना को लेकर कुंडलवादा टोला परिधार निवासी जमशेद अंसारी ने ताराटांड थाना में आवेदन देकर जांच एवं कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि अलफुरकान एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी निबंधित संस्था के द्वारा संचालित मदरसा कुंडलवादा अम्बाबेड़ा में बना है। यहां केवल एक छोटा सा झोपड़ी बनाकर जबरन हम लोगों की जमीन को हड़पना चाह रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ एक तरफ ईदगाह और दूसरे तरफ कब्रिस्तान है और यहाँ वे लोग जबरन लाठी डंडा के बल पर मकान खड़ा कर रखा है, जिससे हम लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। मौके पर मोहम्मद सनाउल इदरिस अंसारी, शफरुद्दीन अंसारी, मसरुद्दीन अंसारी, सलीम अंसारी, उस्मान अंसारी, मकबूल अंसारी, रशीदान बीबी, नुरेशा खातून, सहनाज खातून, फुलेजन बीबी, जुबेदा खातून, साजरा खातून सहित दर्जनों स्थानीय महिला व पुरुष मौजूद थे। मदरसा बोल रहा है, ये इसका नहीं है, हम लोग का जमीन है, हमारा दादा के नाम से पेपर है और हम लोग का बराबर हिस्सा इसमें है और इसमें हम लोग का जोत कोड से आ रहा है, ठीक है। इधर ईदगाह है, बगल में कब्रिस्तान है और बीच में जो हम लोग का जमीन खाली है वो हम लोग रखे हुए हैं जनाजे के नमाज के लिए। और बाकी इसी तरह से मैंने हर जगह करता है सर, कुंडलवादा में जो ये अल फुरकान एजुकेशन से जो एक छोटा सा मदरसा बनाया, झुपड़ी बनाया, उसमें मैंने इसी तरह से वो पहले वो किया, फिर बाद में अपना घर मकान बना के रह रहा है। अभी पूरा मैंने गृहस्थी कर लिया है, तो ये हर जगह इसी तरह करता है सर। यहाँ मदरसा जो है से कुंडलवादा में है, ये अल फुरकान एजुकेशन का जो मदरसा है कुंडलवादा में है और हमारे यहाँ बदगुंदा में आके ये बोल रहा है कि जे यहाँ हम मदरसा बनाए हैं। तो ये तो हम लोग का ज़मीन है सर, ये हम लोग का पेपर है, इसमें तो कोई बात नहीं है। हमारा दादा से 1900 सेंटर मतलब सेंटर में पढ़ाई हो रहा था अभी नहीं, कितना दिन से नहीं हो रहा, नहीं कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ है। तो क्या प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? प्रशासन से मांग हम लोग यही कर रहे हैं कि जो हम लोग को इंसाफ चाहिए। बरगंडा स्थित सस्ती शिशु विद्या मंदिर में मंगलवार को विद्या विकास समिति झारखंड के प्रदेश सचिव अजय कुमार तिवारी के साथ शिक्षक शिक्षिकाओं की बैठक संपन्न हुई। बैठक के पूर्व 4 सदस्यीय दल विभाग प्रमुख ओम प्रकाश सिन्हा, नीरज लाल, ब्रजेश सिंह एवं प्रधानाचार्य संजीव झा के द्वारा विद्यालय के शैक्षिक एवं व्यवस्था संबंधी गतिविधियों का गहन निरीक्षण किया गया। प्रधानाचार्य आनंद कमल ने आंकलुक निरीक्षकों का परिचय कराया। इसके साथ ही आगामी अक्टूबर माह में आयोजित प्रांतीय गणित विज्ञान मेला पर व्यवस्था संबंधी विस्तृत चर्चा हुई। मौके पर प्रदेश सचिव अजय कुमार तिवारी ने कहा कि विद्यार्थियों के विकास के लिए हमें अपना सर्वस्व ज्ञान देना है, स्वाध्याय हमारे ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करता है,
NEP 2020 के तहत अपने आप को ढालना होगा। सक्रिय होकर कक्षा में अध्यापन करें। विद्या भारती का उद्देश्य है ऐसे विद्यार्थियों का निर्माण करना जिनका उद्देश्य राष्ट्र हित हो और बच्चे अच्छी शिक्षा पाकर अपने माता पिता की सेवा करने के साथ साथ राष्ट्र की भी सेवा करें। निरीक्षण के दौरान टीम ने अलग अलग कक्षाओं में शिक्षकों के अध्यापन कौशल, कक्षा और विद्यालय की साज सज्जा, अनुशासन, विद्यालय व्यवस्था, शैक्षिक गतिविधि समेत कई अन्य बिंदुओं का गहनतापूर्वक निरीक्षण किया गया। मौके पर सह विभाग प्रमुख बृजेश सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत नवीन शिक्षा पद्धति, विद्यालय में शैक्षिक वातावरण बनाना, बच्चों के सर्वांगीण विकास के नए आयाम के साथ शिक्षा का जोड़ना आदि बिंदुओं पर चर्चा करते हुए आचार्य दीदी जी को उचित मार्गदर्शन किया। बैठक में प्रांत विज्ञान प्रमुख संजीव कुमार, वैदिक गणित प्रमुख राजीव रंजन, विभाग प्रमुख सुरेश मंडल, प्रवीण जी एवं समस्त आचार्य दीदी उपस्थित थे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हां, हमारे यहां रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहां उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहां सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहां से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर दो कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अस्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम गिरिडीह, पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। ग्रीडी कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहां ग्रीडी के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखे, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, COD ग्रीडी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। डुमरी थाना क्षेत्र के नागाबाद निवासी मनोज दास एक्सीडेंट सड़क हादसे में घायल हो गया। मंगलवार सदर अस्पताल में इलाज के बाद इसे धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि मनोज दास मोटरसाइकिल से अपने घर से बक्सीडीह स्थित ससुराल आ रहा था। इसी बीच बनियाडीह के पास किसी अन्य मोटरसाइकिल से इसके मोटरसाइकिल में टक्कर हो गई। घटना में सड़क पर गिरकर घायल हो गया। इस दौरान इसका पैर भी टूट गया। बाद में इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए इसे धनबाद भेज दिया गया। क्या नाम हुआ? मनोज दास। कहाँ घर है? नागाबाद। नागाबाद, बक्सीडीह मेरा ससुराल है।
कौन थाना पड़ता है? डुमरी। जहाँ रहते घर कहाँ? नालाबाग। वो कौन थाना है? डुमरी थाना। डुमरी कहाँ एक्सीडेंट हुआ? वहाँ का नाम नहीं जानते सर, यह मतलब पहाड़ी नहीं है, पहाड़िया इधर से जाते ना, ये बनिया डी से इधर हॉस्पिटल थाना से मोड़ते हैं, ये पहाड़िया नहीं बढ़ता बस वही पुल वापस। आप कहाँ जा रहे थे? जा रहे थे अपने ससुराल ग्रीडी से। हाँ नहीं, बनिया डी से। बनिया डी से कौन गाड़ी मारा है? वो तो चलता है, पकड़ाया वो। आपका गाड़ी थाना वालों दिए कम्प्लेन? दोनों गाड़ी चलती है। कहाँ है वो मारने वाला? बन्नेडी नहीं है, किधर के बोला उसको मैं मालूम नहीं है, दोनों। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मंगलवार को गांडी के बदगुंदा ताराटाड़ व पंडरी पंचायत सचिवालय में शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान फरियादियों की भीड़ उमड़ी देखी गई। शिविर में अबुआ आवास, आपूर्ति विभाग, कृषि विभाग, कल्याण विभाग सहित राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजना संबंधित स्टॉल लगाए गए थे। सभी संबंधित स्टॉल में फरियादियों द्वारा अपने आवश्यकता अनुसार आवेदन दिया जा रहा था। इस मौके पर BDO निशात, अंजुम CO मनोज कुमार शिविर में पहुंचे, विभिन्न स्टॉलों में घूम कर वस्तु स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान पदाधिकारियों व कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। BDO एवं CO द्वारा इस दौरान स्वयं सहायता ग्रुप के महिला कर्मियों के बीच SHG ID कार्ड का वितरण भी किया गया। इधर शिविर के मौके पर बदगुंदा पंचायत के मुखिया खुशीदा बीबी, ताराटाण पंचायत मुखिया यशोदा देवी व पंडरी पंचायत के मुखिया केशर मुर्मू अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर्तव्य निष्ठा के साथ करते हुए देखे जा रहे थे। शिविर के मौके पर मुखिया प्रतिनिधि अब्दुल रशीद, अभिषेक सिन्हा, मुखिया प्रतिनिधि राजकुमार तुडी, मोहम्मद मकसूद, उप मुखिया विवेक राणा, सोनू कुमार, पंचायत समिति सदस्य कुतुबुद्दीन अंसारी, संतार अंसारी सहित अन्य जन प्रतिनिधि, समाज सेवी सहित पदाधिकारी कर्मी व कई फरियादी मौजूद थे। डुमरी थाना क्षेत्र के नागाबाद निवासी मनोज दास एक्सीडेंट सड़क हादसे में घायल हो गया। मंगलवार सदर अस्पताल में इलाज के बाद इसे धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि मनोज दास मोटरसाइकिल से अपने घर से बक्सीडीह स्थित ससुराल आ रहा था। इसी बीच बनियाडी के पास किसी अन्य मोटरसाइकिल से इसके मोटरसाइकिल में टक्कर हो गई। घटना में सड़क पर गिरकर घायल हो गया। इस दौरान इसका पैर भी टूट गया। बाद में इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए इसे धनबाद भेज दिया गया। विवेक कुमार नाम हुआ। ये कौन लगते हैं आपके मृतक का? ग्रामीण रिश्ते में चाची हुई हमारी। क्या नाम था? तारा देवी। कहाँ के रहने वाले? डुमरी थाना के बगल में। क्या हुआ था? तेज रफ्तार में चरपहिया वाहन जो है वो रोड के बगल में खड़ी थी, वो अनियंत्रित होकर ड्राइवर के लापरवाही से वो उनको मार के भाग गई। कब हुई थी? 9 तारीख के रात्रि 7:07 में। कहीं जा रहे थे या घर के बाहर? बाहर में खड़ी थी, अनियंत्रित गाड़ी जो था चालक की लापरवाही से। पकड़ाया गाड़ी? गाड़ी अभी तो पकड़ाया नहीं है। कुछ पता चला? टोल प्लाजा में उसकी जांच चल रही है, CCTV फुटेज मिला हुआ है, बाकी जो प्रशासनिक जो कार्यवाही है वो। आज के अंत में बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।